नमस्कार दोस्तों, तो आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर मैं समझा रहा था नेटवर्क एनालिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उसी का आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें समझाने वाला हूं ईएस, ईएफ, एलएस, एलएफ, टीएफ, ईएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए वीडियो पूरा देखें और जो भी मैं समझाऊं उसको ध्यान से समझें। चलते हैं आज के क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, आगे उनका टाइम दिया गया है और आगे बोला टाइम एज शोन, मतलब एक टेबल दी गई, उसमें सब कुछ शो कराया गया है। ड्रॉ द नेटवर्क, हमें नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है और कैलकुलेट करना है ई एस, ई एफ, एल एस, एल एफ, टी एफ, ई एफ, और इसके अलावा भी क्रिटिकल पाथ भी निकालना है और टोटल प्रोजेक्ट टाइम भी निकालना है। तो आज मैं समझाने में कम टाइम वेस्ट करूंगा। क्या समझाने में? नेटवर्क ड्रॉ करने में। तो नेटवर्क ड्रॉ मैं जल्दी से कर देता हूं, इसके बाद जो हमें कैलकुलेशन करना है इसको समझ देंगे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, जिसमें हम देखेंगे एक्टिविटी जो उसका टाइम। तो एक्टिविटी यहां पर देखेंगे 1 से 2 है और 1 से 3 है, मतलब 1 से 2 अदर एक्टिविटी जुड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहां से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो मैंने यहां पर क्या किया, ऐसा 1 बना दिया सर्किल के अंदर, और कितना जुड़ा हुआ, 2 जुड़ा हुआ। तो 2 को मैं थोड़ा ऐसा ऊपर कर देता हूं इस तरह है, और 3 को हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे। अगर एक और होती एक्टिविटी तो उसको नीचे हम यहां से ड्रॉ कर देते, इसका एरो लगाएंगे जिस ओर ये जा रहा है, 1 से 2 और 1 से 3। और जो टाइम दिया है इसका 6 दिया हुआ है और इसका 7 दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे तो सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, 2 से 5। तो 2 से 5 है, इसको मैं ऐसा सीधा ड्रॉ कर देता हूं, 2 से 5। तो यहां पर ऐसा 5 बना देंगे, इसको बंद कर देंगे और एरो लगा देंगे। 2 से 5 कितना है, 8 टाइम दिया गया है, जो यहां पर आप देख सकते हैं। फिर 3 से 5 है और 3 से 6 है और 3 से 4 है। तो 3 से 5 तो यहां पर आपको दिख रही है, तो क्लियर मिला दोगे यहां से 3 से 5 जो ऑलरेडी बनी हुई है। 3 से 5 का कितना टाइम है, 9, जो यहां से देखेंगे 3 से 5 मैंने डायरेक्ट मिला दिया। 3 से 6 है और 3 से 4 है, तो इसका जो डायग्राम है पहले आप 4 लिखें, क्योंकि पहले 4 आता है फिर 6 आता है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, ऐसा क्योंकि एक जुड़ चुकी है तो इसको सीधा लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इधर हम कितना जोड़ देंगे, नीचे आगे की ओर बढ़ा देंगे, कितना है, 6 है। तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया। जो तो टाइम दिया है 3 से 4 का, 3 से 4 का कितना दिया, 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 12 लिख दें। और जो हमारा 3 से 6 है, यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ से 3 से 6 है, इसका दिया 8, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी इधर दी है, 4 से 6 है और 4 से 7 है। तो 4 हमारा यहाँ है, तो 4 से 6 है, 4 से 6 यहाँ पर बना हुआ है, तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इसको सीधा इससे मिला देंगे। 4 से 6 टाइम कितना दिया हुआ है, 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं। तो 4 से 7 है, तो 4 को 7 को कहाँ ऐसा मिला देंगे, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, इसको बंद कर देंगे। तो टाइम देखेंगे 4 से 7 कितना दिया है, 16 दिया हुआ है, और जबकि 4 से 6 का 12 मैंने लिख दिया है, और ये हमारा 16 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो 5 से 8 है, 5 से 8 सिंगल है, तो हम यहां पर कोई एक्टिविटी नहीं दिए, तो 5 से 8 है। और कितना है, 6 से 7 है और 7 से 8 है, तो 7 बीच में पड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर की ओर ले जाएंगे एक अदर एक्टिविटी, जिसको आप कहीं से बनाते हैं, जैसे मैंने क्या है यहां पर सीधा बना रहा हूं, तो आप सीधा ऐसा बनाते हैं। यहां पर कितना है, 5 to 8 देख रहे होंगे आप, ये हमारा दिया 5 to 8 है, इसको हमने एरो लगा दें जिस डायरेक्शन में जा रहा है। 5 to 8 का टाइम कितना है, 8 ही दिया हुआ है। और हमारा कितना है, 6 to 7, तो 6 to 7 है, इसको 6 to 7 ऐसा मिला दें, इसका टाइम दिया 6 से 7 कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, तो यहाँ पर 6 लिख दें। और लास्ट क्या है, 7 to 8, 7 to 8 और टाइम 9 दिया, तो 7 to 8 सीधा यहां से इसको 7 से 8 को मिला दें। आप और भी अच्छा साफ सुथरा डायग्राम बना सकते हैं, ये कितना टाइम है, 9। कोई भी टाइम गलत हो जाता तो आप टेंशन न लें, उसको सही कर लें, लेकिन प्रोसीजर जो होगी वो हमारी सही होगी। तो ये हमारा क्या है, डायग्राम बन गया, नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम बनने के बाद जो हम कैलकुलेट करते हुए क्या करते हैं, ईपीओ और एलपीओ, क्या ईपीओ और एलपीओ,
मतलब इन सभी पर जो हमारी एक्टिविटी दी है उनके ऊपर टाइम हम कैलकुलेट करते हैं स्टार्टिंग से लास्ट एक्टिविटी तक, जो स्टार्टिंग से लास्ट एक्टिविटी तक चलते हैं, शुरुआत से अंत तक चलते हैं, तो हमारा क्या बोलते हैं उसको ईपीओ, और फिर अंत से फिर यहां फर्स्ट एक्टिविटी तक आएंगे उसको बोलते हैं एलपीओ। तो ईपीओ कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है उसका सिंबल मैं सब कुछ बता चुका हूं, तो ऑलरेडी मैं डायरेक्ट यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आप कैसा बनाए ऐसा, जो एक्टिविटी यहां पर देखेंगे तो कितनी होगी, स्टार्टिंग में जीरो होती है, उसका सिंबल कैसा होता है इस तरह का होता है, ऐसा इसको बंद कर दें। वन से टू जुड़ा हुआ है, वन से थ्री जुड़ा हुआ है, तो जीरो में जो यहां पर टाइम दिया उसको एड करते हुए जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। इसको ऐसा बंद करके आराम से सिंबल बना लें, और यहां पर ऐड करेंगे जीरो में तो कितना हो जाएगा, ये सेवन हो जाएगा। सेवन को भी हम कैसा ऐसा सिंबल बना देंगे। अब टू से फाइव जुड़ा हुआ है और थ्री से भी फाइव जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जो टाइम ज्यादा होगा, देखो यहां पर कितना होगा, सिक्स हो गया, आठ छह चौदह हो जाएगा, जबकि यहां पर कितना होगा, सात जो सेवन हो रहा है और नाइन हो रहा है, तो पांच पे कितना हो रहा है, नाइन और सेवन कितना हो जाएगा, सिक्सटीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिक्सटीन। तो हमने देखा यहां से सिक्स और एट कितना हो रहा है, फोर्टीन। और अगर इस रास्ते से जाएंगे कैसे, वन टू और फाइव, और कौन सा भी जा रहा है, फाइव पर कौन सा मिल रहा है, वन थ्री और फाइव, तो फाइव वाले पे आप देखेंगे नौ सात सोलह आठ छह चौदह, सोलह वाला अधिक है तो हम सोलह वाली वैल्यू यहां पर लिख देंगे, ऐसा सिक्सटीन बना देंगे और इस सिंबल के अंदर बंद कर देंगे। इसको आपको याद रखना। अब चलते फोर पे और सिक्स पे निकालते हैं, तो अब देखो फोर पे मिलने वाला रास्ता कौन सा है, एक ही है सेवन, और हमारा कितना है ट्वेल्व है, यहां पर कितना हो जाएगा नाइनटीन। इसको भी बंद कर दें ऐसा। अब सिक्स पे देखेंगे तो सिक्स पे दो रास्ते मिलते हैं, वन थ्री फोर और सिक्स, या फिर वन थ्री और सिक्स। अब यहां पर टाइम देखेंगे तो कितना ट्वेल्व, ट्वेल्व कितना ट्वेंटी फोर हो जाएगा, ट्वेंटी फोर और सेवन कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फोर और सेवन थर्टी वन, जबकि इधर सिर्फ पंद्रह ही हो रहा है, तो थर्टी वन हम यहां पर क्या लिख देंगे, थर्टी वन। एरो का साइन देखें जिधर जा रहा हुआ है। अब हमारा कैलकुलेटर कहां पे होगा, वन पे होगा, टू पे होगा, थ्री पे हो गया, फोर पे हो गया, फाइव पे हो गया, सिक्स पे हो गया। अब चलेंगे सेवन पे, सेवन पे देखेंगे कौन सा रास्ता हो रहा है, वन थ्री फोर और सेवन, इसके अलावा कौन सा रास्ता हो रहा है, वन थ्री सिक्स और सेवन। तो इस तरह कौन सा और भी रास्ता हो सकता है, कौन सा, वन थ्री फोर सिक्स सेवन। तो जो रास्ता हो रहा है उसमें हम सबसे अधिकतम वाला टाइम देखेंगे कि किसमें हो रहा है। तो अगर हम देखो यहां से चलेंगे नीचे से तो सेवन हो रहा है, यहां तक सेवन थर्टी वन कितना हो रहा है, थर्टी एट, और सिक्स के थर्टी एट और सिक्स कितना हो जाएगा, फोर्टी फोर। तो वो गलत हो गया, मतलब हमें इसको नहीं जोड़ना है लास्ट वाले टाइम को, साथ मैंने गलत जोड़ दिया है इसलिए 44 पहुंच गया था। हमें लास्ट ऑलरेडी यहां तक जोड़ के आ चुके, हाईएस्ट टाइम यहां तक कितना है, 31 आया, तो 31 में हम प्लस करेंगे, क्योंकि 31 इस 31 के जो कैलकुलेट होके आया हाईएस्ट टाइम 6 पर कितना आया, 31 आया। अब 31 के बाद कैलकुलेट करेंगे तो 6 को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, क्योंकि अगर इस रास्ते से 1 3 4 और 7 वाले रास्ते से आएंगे तो यहां पर हाईएस्ट कितना आया, 19 आया, 19 में अगर 16 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, जबकि यहां कितना 31 है, 31 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। तो हम यहां पर कितना लिख देंगे, 37, जो हाईएस्ट वाला टाइम है। समझ में आ गया, ठीक है, यहां पर गलत कर दिया था, जो एक्टिविटी है उस पर जो टाइम जोड़कर आया उससे आगे वाली हमें क्या करना है, टाइम को ऐड करना है। अब इसके बाद हमारा कौन सा बचता है, एट वाला बच रहा है, तो एट पर हम देखेंगे कौन सा, एट वाले पर। अब हमारा ऊपर वाला एट पर कितने रास्ते आए वो सब कैलकुलेट करना होगा, तो देखेंगे यहां पर कितने रास्ते आए, देखो यहां पर, यहां फाइव पर आएंगे तो कितना आएगा, 16 आ गया, 16 के बाद अगर एट जोड़ देंगे तो कितना होगा, मान ली 24, तो ये तो रास्ता हो नहीं सकता है, जबकि सेवन से एट जोड़ेंगे तो इसमें कितना जुड़ जाएगा, नाइन जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 46, क्योंकि 46 अधिक वैल्यू है, तो अधिक वैल्यू लेके हमें चलना है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ईपीओ निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना, एलपीओ। तो एलपीओ में हम क्या करते हैं, लास्ट एक्टिविटी, जैसे एट नंबर की एक्टिविटी लास्ट है, लास्ट से हम कहां चलेंगे, वन की ओर चलेंगे, तो जो लास्ट एक्टिविटी है उसको हम जितनी होती है उतनी रख देते हैं, 46 है, और सिंबल हम कैसा कर देंगे, इसके अपोजिट ऐसा वाला। अब जैसे एट से सेवन जुड़ा हुआ है और एट से ही फाइव जुड़ा हुआ है, तो एट से सेवन देखेंगे तो हमें कौन सी कम करना है, ये जो यहां पर लिखी हुई है नाइन, नाइन को कम करेंगे 46 में से, तो कितना बचेगा हमारा, 37।
ये जो रास्ता हमारा जा रहा है ये सक्सेस वाला रास्ता होगा जिसमें हमारी एक्टिविटी बराबर आती है। ये बराबर एक्टिविटी आती जाती है वह हम समझते हैं कि हमारा सक्सेसफुल वाला रास्ता है, क्रिटिकल पाथ है। लेकिन यहां से अगर इसमें से माइनस करेंगे कितने में से 46 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 38। तो लेकिन ए वाली हमारे नीचे कितना है 16 है, कौन सा नीचे 16 है, ये बराबर नहीं, मतलब ए वाला रास्ता नहीं जाएंगे। लेकिन हमें इस बार कैलकुलेट करके रखना है, जैसे कि यहाँ पर 38 आया, 38 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 30, क्योंकि आगे मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन करना उसके काम आएगी तो हम कैलकुलेट करके रख देते हैं। अब हमें करना है इधर सक्सेस वाला रास्ता, तो 37 होगा, 37 के बाद कितना जाना है 6 पर जाना है, तो 36 में से 6 माइनस होगा तो हमारा कितना बचेगा 31 बचेगा। मतलब यहाँ पर भी हमारा रास्ता सही जा रहा है क्योंकि बराबर एक्टिविटी, बराबर जो यहाँ पर एलपीओ यूपीओ आ रहे हैं। अब यहां से हमें इस रास्ते पर जाना है तो हम 31 में से अगर 12 को कम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 19 ही आएगा, तो 19 हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको ऐसा बंद कर देंगे। इसके बाद हम 3 पे चलेंगे, 3 पे चलना है तो यहां पर देखो आप ये कितने 19, 19 में से 12 चले जाएंगे तो कितने बचेगा 7 बचेगा, तो मैं यहां पर 7 लिख देता हूं, 7 में 7 गए तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या आ गया ईपीओ और एलपीओ। ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये सही कैलकुलेट होंगे तो हमारा आगे जो आंसर निकालने वाले हैं ये सब कैलकुलेट करने वाले हैं ये भी सही होंगे। तो अब चलते हैं ईएस ईएफ ये सब कुछ वन बाई वन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या ईएस, जो ऊपर लिखा था ईएस, या इसी को हम क्या बोलते हैं ईएस टी भी बोलते हैं, कंफ्यूज ना हो इसमें। ये होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का हमें फॉर्मूला मालूम हो जाए तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है, जो इसका जो फॉर्मूला होता है वह मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझें क्योंकि उसी फॉर्मूले के आधार पर इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये होता है फॉर्मूला, ऐसा लिखते हैं इसमें ईएसटी, आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और डायरेक्ट आंसर लिखना है। ईएसटी ऑफ एनी एक्टिविटी, ईएसटी ऑफ एनी एक्टिविटी, जो एक्टिविटी दी है उसमें से किसी भी एक्टिविटी का जो ईएसटी होता है या ईएस होता है वह होता है ईपीओ ऑफ इनिशियल इवेंट। क्या होता है ईपीओ ऑफ इनिशियल इवेंट, इनिशियल इवेंट का मतलब होता है जो ईएसटी है सभी क्या होगा, जैसे कोई एक्टिविटी है, जैसे मान लिया मैंने 1 से 2 एक्टिविटी है, क्या 1 से 2 एक्टिविटी होगा तो इसका इनिशियल ईपीओ क्या होगा 0 होगा, जबकि जो बाद वाला ईपीओ क्या होता है 6 होता है। जैसे 1 से 3 है तो इसका इनिशियल ईपीओ क्या होगा 0 होगा, इसी तरह 3 से अगर 6 है तो इसका इनिशियल ईपीओ क्या होगा इधर वाला होगा। ईपीओ मतलब जो ए वाला एरो जो आगे की ओर बढ़ते क्रम में गए उसका पहला वाला, जैसे मैं यहां पर निकाल के दिखा रहा हूं, जैसे एक्टिविटी यहां पर लिख लेते हैं हम, एक्टिविटी का क्या निकालना है यहां पर कैलकुलेट, ईएसटी जरूर लिख के रख लें, ईएसटी या फिर ईएसएस हेडिंग डाल रहे हैं, तो एक्टिविटी लिखें 1 से 2। अब 1 से 2 का क्या है, तो 1 से 2 तो पहला वाला हमें कौन सा देखना है ए देखना है, तो कितना हो जाएगा 0। इस तरह क्या कितनी एक्टिविटी है 1 से 3, यहां पर लिखा 1 से 3, तो 1 से 3 का भी कौन सा है पहला वाला 0। इस तरह फिर कौन सी है 2 से 5, जो ऐसी टेबल में दी गई उसी तरह आप लिखें 2 से 5, जो टेबल बनी हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है उसी तरह यहां पर लिख कर रख लें, ऐसे 2 से 5 था और कितना था 3 से 5, 3 से 6 और 3 से 4 इस तरह दी गई थी, तो मैंने इतनी लिख ली, अब इसके बाद और आगे लिखेंगे। अब देखो 2 से 5 कितना है 2 से 5, तो 2 से 5 में कौन सी होगी पहली 6 होगी, तो हम इसको क्या यहां पर लिख देंगे 6 लिख देंगे। फिर क्या 3 से 5, ये क्या 3 और 3 से 5, 5 फाइनल कौन सी थी 16, इनिशियल कौन सी होगी 7, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 7। ऐसे 3 से 6 है, कौन सी है 3 से 6 है, तो 3 से 6 है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा 6, मतलब 6 फाइनल होगा और 3 इनिशियल होगा, तो फिर इसकी भी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इस तरह 3 से 4 है, कौन 3 से 4 है, तो इसका भी इनिशियल कितना होगा 7 ही होगा। समझ में आ रहा है, जो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम निकालते हैं उसमें जो हमारा ईपीओ होता है, एक ईपीओ फाइनल होता है, एक इनिशियल होता है,
ईपीओ, ये वाले ईपीओ होते हैं जो आगे को एरो बने हुए, चलते हुए आगे को बढ़ते हुए क्रम में, वो ईपीओ में अगर दो एक्टिविटी है तो उनकी जो पहला वाला होता है अर्लीस्ट वाला उसको हम लेते हैं। तो 7-7 हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो मैं डायरेक्ट यहां से लिख देता हूं, जो मेरे पास लिखा हुआ है 4 से 6, तो 4 से 6 देखेंगे, 4 से 6, तो 6 वाला 31 फाइनल होगा, जबकि ये पहले हमें लिखना कौन सा, जो 4 पर आ रहा है, 4 पर कितना आ रहा है 19, तो मैं यहां पर 19 लिख देता हूं। और नेक्स्ट क्या है 4 से 7, तो 4 से 7, 4 से 7 कितना है, तो ये भी 19 ही आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आगे हम ऐसा टेबल बना देते हैं, 4 से 7 के बाद कौन सी है 5 to 8, 5 to 8, और फिर है 6 to 7, 6 to 7 के बाद है 7 to 8। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज हैं, इनको हम समझ लेते हैं। 5 to 8, तो 5 to 8, तो 5 से 8 के बीच में जो एक्टिविटी है उसका इनिशियल कौन सा होगा 16, तो यहां पर क्या लिख देंगे 16। फिर 6 to 7, कहां है 6, ये हमारा 6 to 7, तो 6 to 7 के बीच में इनिशियल कौन सा होगा 31। और 7 to 8 कौन सा है, 7 to 8 में इनिशियल कौन होगा 7 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 37। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ईएसटी और ईएस। अब सेकंड वाला समझते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं टेबल से। उम्मीद है आप इसका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं या नोट कर रहे हैं तो नोट करते हैं, इससे आपको मतलब समझ में आए, क्योंकि अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो नेक्स्ट है ईएफ, ईएफ फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ईएफटी। इसका जो फॉर्मूला होता हुआ होता है ईपीओ, ईपीओ तो आप जानते हैं जो अभी कैलकुलेट किए हुए थे, ऑफ फाइनल इवेंट, ऑफ फाइनल, अभी कौन से थे अर्लीस्ट इवेंट, अब कौन से हैं फाइनल इवेंट ऑफ दैट एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी का निकालना है उसी का याद रखें एक्टिविटी। अब ये ध्यान रखें, इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो मैं समझा रहा हूं उसको। जैसे हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं ईएफटी या फिर ईएफ, ठीक है, कुछ भी लिखा है, सबसे पहले हम एक्टिविटी लिखते हैं, तो यहां पर एक्टिविटी है हमेशा हेडिंग डालना है एक्टिविटी। एक्टिविटी में कौन सी हमारी, सबसे पहले 1 से 2 और 1 से 3, तो ये दोनों के सबसे पहले निकाल देता हूं मैं 1 से 2। इसमें देखें 1 से 2, तो हमारी एक्टिविटी कौन सी है 1 से 2, तो 1 से 2 में हम देखेंगे फाइनल एक्टिविटी कितनी है, इनिशियल कितनी 6 है, और इस पे हम 2 पे निकाल के देखना है, तो हम कितने करते हैं इसमें हम 6 का जोड़ते हैं जब वो फाइनल एक्टिविटी निकलती है, तो हमें इन दोनों के बीच में देखना, तो इन दोनों के बीच में 0+6 कितनी हो जाएगी, ऐसा लिखे भी दें 0+6 कितनी हो जाएगी 6। 1 से 3 के बीच में कितनी हो जाएगी 0+7 इक्वल टू 7। नेक्स्ट टाइम है 2 से 5, 2 से 5 एक ही है, तो 2 से 5 हम कैसे निकालेंगे, कहां है 2 और 5, तो 2 पर कितनी है 6 प्लस, और 2 और 5 के बीच में कितना टाइम है 8, तो हम कितना 8 कर देंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। याद रखें क्योंकि ये जो 16 आया हुआ है वो इधर से आया हुआ है, इसलिए हमें इसकी कैलकुलेट करना ही पड़ेगी, तो हमारा इधर से इस रास्ते से आ रहा है 2 से 5, तो हमारी कितनी हो रही है जो ईएफटी 40। अब इस तरह नेक्स्ट कौन सा है 2 से 5 हो गया 3 से 5, 3 से 5 कहां है, ये 3 से 5, 3 पे देखेंगे तो इनिशियल एक्टिविटी कितनी है 7 प्लस टाइम कितना है 9 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 16। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कितना हो गया हमारा 3 से 5 हो गया, और 3 से 6 और 3 से 4 ये भी इसी के अंदर 3 के अंदर है, 3 से 6 कहां है 3 से 6, 3 से 6 देखेंगे इस पे कितना है 7 प्लस कितना टाइम दिया 8, मतलब 7 यहां पर इनिशियल है 8 टाइम दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, मतलब 15 हो जाएगा। और 3 से 4 देखेंगे 3 से 4, 3 से 4 कहां है 3 2 4, 3 पर कितना है 7 प्लस यहां पर कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 19, तो हमने 3 से 4 तक पहुंच गए 19 तक। अब नेक्स्ट 3 से 4 के बाद कितना है 4 to 6, 4 to 7, 5 to 8, 6 to 7, 7 to 8, ये मैंने एक्टिविटी लिख ली है पहले से, इससे बार बार ना लिखना पड़े, नहीं तो आप टेबल, आपके पास तो टेबल होगी, टेबल से देख सकते हैं, मैं टेबल ऊपर बुक्स खिसका दी इसलिए,
हम पहले से जो लिखी हुई है उनको देखकर बता देता। अब फोर से सिक्स, देखो यहां फोर से सिक्स, फोर से सिक्स, फोर पर इनिशियल कितनी है 19, प्लस कितना उसमें ऐड कर देंगे 12, तो हमारा कितना हो जाएगा 31। नेक्स्ट है फोर टू सेवन, कहा है फोर टू सेवन, फोर पे इनिशियल कितना है 19, प्लस कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 35। नेक्स्ट है फाइव टू एट, कहा है फाइव टू एट, फाइव पे इनिशियल कितना है 16, प्लस कितना ऐड करना 8, तो कितना हो जाएगा ये 24। अब सिक्स टू सेवन, सिक्स टू सेवन कहा है, सिक्स टू सेवन, सिक्स पे इनिशियल कितना है 31, प्लस कितना जोड़ देंगे 6, तो कितना हो जाएगा 37। सेवन टू एट कहा है, सेवन टू एट, सेवन कितना है 37, प्लस ऐड कितना करेंगे 9, तो एक टोटल कितना हो जाएगा 46। तो हमने क्या निकाल दिया, ईएफटी और ईएफ कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है जो एक्टिविटी दी है उसका इनिशियल जो टाइम है प्लस जो बीच में टाइम दिया उसको ऐड करके निकालते हैं, तो वह क्या होता है हमारे ईएफटी या ईएफ। अब नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट निकालेंगे एलएस, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं एलएसटीआर। इसका टाइम होता है जो हमने एलपीओ निकाले हुए, कौन से एलपीओ, माइनस टाइम ऑफ एक्टिविटी, जिस टाइम ऑफ एक्टिविटी, टाइम ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे एलपीओ हमारा कोई फाइनल एलपीओ है, फिर उसी एक्टिविटी में जिस एक्टिविटी का निकालना है उसके बीच में जो टाइम दिया रहता है उसको हमें माइनस करना है। जैसे कि यहां पर मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, आप समझ जाएंगे। एलएस और एलएसटी ऐसी हेडिंग डाल लें, और हमें यहां पर सबसे पहले क्या लिख देना है एक्टिविटी, और इधर हमें हेडिंग क्या डाल लेना है, जो भी एलएस या फिर एलएसटी। यहां पर पहले एक्टिविटी लिख देना कौन सी है, वन से टू और वन से थ्री, दोनों के सबसे पहले निकाल के दिखा देता हूं। वन से टू के बीच में, वन से टू के बीच में एलपीओ क्या होता है, जो हम पीछे से लेके चलते हैं, मतलब जिसका उल्टो एरो, जैसे जे वाला, जे का एलपीओ है जबकि ये क्या था ईपीओ, तो एलपीओ जो ऑलरेडी यहां पर बना हुआ है तो इसलिए लिख दिया मैंने डायरेक्ट एलपीओ। तो एलपीओ यहां पर क्या, वन से टू के बीच में 30, तो 30 पहले लिख देंगे, माइनस जिस एक्टिविटी का निकालना है उसका टाइम, टाइम कौन सा रहता है ए वाला, तो माइनस 6 कर देंगे, तो 30 माइनस 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 हमारा एलएस है, एलएसटी क्या रहेगा। अब 1 से 3 कौन सा, 1 से 3 इस पे कौन सा है ए वाला एलपीओ, तो ये कितना है 7, माइनस इसका टाइम कितना दिया 7, तो 7 कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट है 2 से 5 और 3 से 5, 3 से 4 और 3 से, हाँ 3 से 4, 3 से 5, ये हो जाएगा 2 से 5, और जो एक एक्टिविटी रह गई वो मैं कर देता हूं अभी। 2 से 5 देखेंगे, 2 से 5, 5 फाइनल कौन सी है एलपीओ, कौन सा 30, तो यहां पर लिख देंगे हम 38, माइनस कितना कम करेंगे 2 से 5 निकाला है तो 8 कम करेंगे, तो 8 कम कर देंगे, तो जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है तो कितना हो जाएगा 38 में से 8 जाएगा 30 बचेगा। यहां पर देखें 3 टू 5 कौन सी है, 3 टू 5 कौन सी है, 3 टू 5, 3 टू 5 में देखेंगे फाइनल कौन सी मानी जाएगी 38, तो 38 फिर से रख देंगे हम, कितना रख देंगे सॉरी 3 टू 5, हाँ सही है 3 टू 5 कितना है 38, माइनस कौन सा 3 टू 5 इसका टाइम कितना दिया 9, तो यहां पर हम कितना रख देंगे 9 कर देंगे, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ रहा 29। इसके बाद कौन सा है 3 टू 6 है, यहां पर 6 कर देते हैं, जैसा एक्टिविटी दी है क्वेश्चन में वैसा ही कर देते हैं, 3 टू 6 कितना है फाइनल, जी वाला, ए वाला होता फाइनल 31, माइनस टाइम कितना दिया 8, तो हम 8 कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 माइनस 8 करेंगे तो आ रहा 23। नेक्स्ट एक्टिविटी है कितनी हमारी 3 टू 6 के बाद है 3 टू 4, 3 टू 4, 3 टू 4 के बाद है 4 टू 6, 4 टू 6 के बाद 4 टू 7, 4 टू 7 के बाद है 5 टू 8, 5 टू 8 के बाद है 6 टू 7, और ये नेक्स्ट है 7 टू 8। तो ये एक्टिविटी है, मैंने पहले से लिख ली, आप भी ऐसा लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 टू 4, 3 टू 4, 4 पर कौन सी है उल्टा एरो वाली 19, तो
19 हो गया, माइनस कितना कर देंगे 12, तो कितना बचेगा हमारा 7। अब इसका देखेंगे 4 टू 6 कहां है, 4 टू 6, 6 पे फाइनल कितना है, ये वाली फाइनल है कितनी 31, माइनस कितना हो जाएगा 12, तो इसको कम करेंगे 12 को 31 में, तो कितना बचेगा 19। अब 4 टू 7 कहां है, 4 ये है 7, 7 फाइनल कितनी, कौन सी ए वाली 37, माइनस टाइम कितना है 16, कितना बचेगा, कम करेंगे इसमें से बचेगा हमारा 21। नेक्स्ट क्या 5 टू 8 कहां है, 5 टू 8, 8 पे कितना फाइनल है 46, माइनस कितना कम कर देंगे 8, 8 कम करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 38। नेक्स्ट है 6 टू 7 कहां है, 6 टू 7, 7 फाइनल कौन सी है 37, माइनस कितना करेंगे जो टाइम यहां पर दिया है 6, तो कितना बचेगा 31। 7 टू 8 कहां है, 7 टू 8, 8 में फाइनल कौन सी है 46, माइनस टाइम हम माइनस करेंगे 9, तो यहां पर 9 माइनस कर देंगे, कितनी बचेगी 37। तो ये हमने क्या निकाल के दिखाया, एल एस एफ एन एल एस टी। अब एक और बची है, उसको भी निकाल देते हैं। नेक्स्ट है एल एफ या फिर एल एफ टी, ये होता क्या होता है, डायरेक्ट इसके इक्वल होता किसके, एल पी ओ के, जो भी एक्टिविटी है एल पी ओ, एनी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी। देखो मैं बताता हूं कैसे, जैसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्टिविटी लिखते हैं, एक्टिविटी, फिर क्या लिखते हैं, जो भी हमारा एल एफ है या फिर एल एफ टी, एक ही बात होता है। एक्टिविटी में कौन सी हमारी, जो हमारी 1 से 2, 1 से 3, 2 से 5, 3 से 5, 3 से 6 और 3 से 4, इतनी निकाल लेते हैं। तो अब यहां पर देखेंगे 1 से 2, 1 से 2 में एलपीओ क्या है जी, उल्टा आया हुआ है इधर से 30, तो सीधा 30 लिख देंगे, कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है। 1 से 3 में कौन सा है 7 है, तो 7 लिख देंगे। 2 से 5, 2 से 5 में कौन सा है 2 टू 5, तो 5 पर देखेंगे उल्टा कौन सा आया हुआ है, 2 टू फाइनल एक्टिविटी, मतलब फाइनल वाला 5 होगा, तो ये कौन सा आया इसमें 38। अब 3 से 5 है, तो 5 पर देखेंगे कौन सा बना हुआ है, 3 से 5 है, तो 5 पर कौन सा बना हुआ है 38। 3 टू 6 फाइनल एक्टिविटी, 3 टू 6 का 3 टू 6 का है 3 टू 6, तो फाइनल एक्टिविटी पे देखेंगे कितना है उल्टा बना हुआ, जो पीछे से आया हुआ 31। यानी फाइनल एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, फाइनल एक्टिविटी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे 1 से 2 है तो 2 पर देख रहे हैं, 3 से 5 है तो 5 पर देख रहे हैं, इसलिए हमने इसको फाइनल एक्टिविटी लिख दिया। 3 से 4 देख रहा है, देखो 3 से 4 देख रहा है, तो 4 पर हम देखेंगे कि ये जो उल्टा कौन सा आया हुआ एलपीओ 19, तो हम क्या लिख देंगे 19। अब आगे की एक्टिविटी लिखेंगे, तो कितने कहां तक पहुंच गए, 3 टू 4 तक पहुंच गए थे, 4 टू 6, 4 टू 7, 5 टू 8, 6 टू 7, 7 टू 8। अब यहां इसका भी लिख देते हैं 4 टू 6, मतलब कितना हो जाएगा 31। 4 टू 7, मतलब फाइनल वाला कितना हो जाएगा 37। 5 टू 8, 5 टू 8, 8 वाला कितना हो जाएगा उल्टा कौन सा 46। 6 टू 7 कौन सा है, 6 टू 7 फाइनल वाला कौन सा हो जाएगा 37। 7 टू 8 कौन सा, 7 टू 8, तो 8 पर देखेंगे उल्टा कौन सा बना हुआ है, ये बना हुआ है, कितना हो जाएगा 46। तो ये हमने क्या निकाला, एल एफ और एल एफ टी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। अब कुछ और निकालना तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट, टी एफ, टी एफ भी कई बार निकालने को आता है, टोटल, टी एफ मीन्स होता है टोटल फ्लोट, और एफ एफ मीन्स होता है फ्री फ्लोट, इनके मीनिंग से कोई मतलब नहीं, हम फॉर्मूला देखेंगे। टी एफ इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह होता है एल पी ओ फाइनल, एलपीओ, जे मीन्स होता फाइनल वाला, माइनस ईपीओ इनिशियल,
और माइनस टाइम ऑफ एक्टिविटी, टाइम ऑफ एक्टिविटी। मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूं एक दो के, तो आपको समझ में आएगा। टीएफ हम क्या निकालना है, पहले एक्टिविटी लिख लें यहां पर एक्टिविटी, और यहां पर क्या लिखेंगे टीएफ। ठीक है, अब यहां पर एक्टिविटी मोहाई कौन सी है, वन से टू, तो वन से टू, वन से टू फॉर्मूला क्या है यहां पर देखो, एलपीओ जी मतलब होता है एलपीओ फाइनल वाला। कौन सा एलपीओ, वन से टू के बीच में एलपीओ कौन सा होता है, ए होता है, याद रखें एलपीओ एलपीओ ए होता है, ईपीओ ए होता है। तो ईपीओ इनिशियल ए है और फाइनल ईपीओ ए है, ऐसे ही फ्लॉट कौन सा है, ए फाइनल फ्लॉट होता है। तो फाइनल फ्लॉट कितना है 30, तो हम 30 रख देंगे। माइनस क्या लिखा हुआ है, माइनस ईपीओ इनिशियल, ईपीओ इनिशियल मैंने कौन सा बताया, ए जो वाला होता है, ए क्या होता है ईपीओ इनिशियल, जबकि ए क्या होता है ईपीओ फाइनल, या जे लिखते हैं फाइनल को। ठीक है, समझ में आया, तो ईपीओ इनिशियल कौन सा हो जाएगा जीरो, माइनस टाइम ऑफ एक्टिविटी, टाइम ऑफ एक्टिविटी जो जिसके बीच में निकाला है उसके बीच में जो टाइम गिवन है कितना गिवन है सिक्स सिक्स, इसको हम जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 24। ऐसे ही मान लो वन से थ्री के बीच में निकाल रहे हैं, किसके वन से थ्री के बीच में निकाल रहे हैं, तो कौन सा हमारा ईपीओ सॉरी एलपीओ फाइनल, एलपीओ वन से थ्री के बीच, वन से थ्री के बीच में एलपीओ कौन सा सेवन, जो उल्टा आया हुआ उल्टा एरो, ए एरो दिख रहा है, ए एलपीओ का एरो है, तो कितना है हमारा सेवन, माइनस इनिशियल हमारा कितना है जीरो ईपीओ, माइनस इसके बीच में सेवन कितना टाइम सेवन, तो कितना हो जाएगा जीरो। और भी हम निकाल सकते हैं अगर हम निकालना चाहें, जैसे कि आगे की जो टाइम कौन सा होता है टू से फाइव, टू से फाइव है, टू से फाइव के बीच में, और निकाल के दिखा देता हूं मैं, टू से फाइव के बीच में फाइनल कौन सा उल्टा आया हुआ है 38, माइनस इनिशियल, टू से फाइव के बीच में इनिशियल कौन सा है, टू से फाइव क्या आता है, टू से फाइव के बीच में इनिशियल कौन सा हो जाएगा सिक्स, माइनस इन दोनों के बीच में टाइम कितना है एट। अब इसको हम कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, जैसे 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 बचेगा, या जितना भी बचे वो आप कैलकुलेट कर लें। तो आप सभी के इस तरह निकाल लें, कुछ कोशिश आप लोग भी करें। अब हमें क्योंकि हमें FF और बताना है, इसलिए इस क्वेश्चन को खत्म भी करना है। तो FF इज इक्वल टू क्या होता है, फ्री फ्लॉट होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं फॉर्मूला सबसे पहले बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है ई पी ओ जे, ए पी ओ जे मतलब ई पी ओ है उस ओ है फाइनल, ई पी ओ वाला फाइनल, फिर क्या है ई पी ओ इनिशियल माइनस टाइम ऑफ एक्टिविटी, टाइम ऑफ एक्टिविटी। अब देखो इसमें हम यहां पर क्या निकालना है, ऐसा लिख लें आप एक्टिविटी, इधर क्या लिखेंगे एफ एफ या फ्री प्लॉट, तो वन से टू और वन से थ्री और टू से फाइव के बीच में, इसमें भी मैं निकाल के दिखा देता हूं। वन से टू कौन है, वन से टू क्या लिखा हुआ है ईपीओ फाइनल, ईपीओ फाइनल कौन सा होता है ए, ईपीओ इनिशियल कौन सा होगा जे, इस दोनों एक्टिविटी के बीच में, तो क्या लिख देंगे हम सिक्स, माइनस इनिशियल कितना है जीरो, माइनस बीच का टाइम कितना, टाइम ऑफ एक्टिविटी सिक्स, तो हमारे कितना हो जाएगा जीरो। वन से थ्री के बीच में देखेंगे फाइनल वाला कौन सा है, ए वाला है, तो क्या लिख देंगे सेवन, माइनस इनिशियल क्या है जीरो एक्टिविटी है, बीच में टाइम कितना है सेवन, तो सेवन लिख देंगे, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। टू से फाइव के बीच में देखेंगे टू और फाइव, हमें फाइनल देखना कौन सा है, ए सिक्सटीन है, फाइनल कितना है सिक्सटीन, तो हम यहां के रख देंगे सिक्सटीन रख देंगे यहां पर, ये सही कर लें क्योंकि ए इस तरफ से आया हुआ है सिक्सटीन, यहां से जाएगा तो ये कितना है यहां पर 14 है, 8 6 14, तो 14 कर लें वहां पर, वो तो अपना क्रिटिकल रास्ते के लिए बना हुआ है कि क्रिटिकल रास्ता हम कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल पाथ कैसे निकालेंगे, तो 14 हो जाएगा यहां पर, ये 14 फाइनल वाला हो जाएगा, इनिशियल वाला कितना है 6 है और बीच में टाइम कितना है 8 है, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे कितना, देखो आप बच जाएगा ये 8 6 14 14 कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हमने कोशिश की समझाने की कैसे निकालते हैं, ए भी समझा, जे का मतलब यहाँ पर फाइनल होता है, आई का मतलब इनिशियल होता है, टाइम ऑफ एक्टिविटी का मतलब जो बीच में दो एक्टिविटी जिनके बीच में निकालना है उनके बीच का टाइम। अब हमें इसका क्रिटिकल पाथ निकालना है और हमें टोटल टाइम निकालना है। तो क्रिटिकल पाथ होता है कि जिस रास्ते से हम गए हुए हाईएस्ट वैल्यू लेके और फिर लौट के सब में जीरो आते, जैसे कि यहां पर देखेंगे 46 46 मतलब जीरो है, ये हमारा 8 नंबर फिक्स है,
सेवन पे देखेंगे 37 37 ये भी सही है। फिर सेवन से हम किस पे 6 पे आएंगे, ये भी 31 31 ये भी सही है। फिर यहां पर देखेंगे इधर से जाना है, नहीं हमें किस इधर से जाना है, 1 3 4 6 7 8 जिधर से हाईएस्ट वैल्यू गई हुई थी। तो यहां पर देखेंगे 19 19 है, 7 7 है और हमारा कितना है 0 है। तो हम इसको हम क्या लिख देंगे, क्रिटिकल क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ देख लें कितना है, 1 3 4 6 7 8। हमने कहा जिस तरह हम हाईएस्ट वैल्यू लेकर गए हुए थे फिर इनिशियल लौटे हुए हैं, तो वहां से कैसी होती आ रही है, बराबर बराबर वैल्यू होती आ रही है। जैसे कि यहां पर देखेंगे हमारा कौन सा 1 से 3 7 है, 3 से हम फिर कहां पर गए, 4 पर गए, जो 19 वैल्यू लिए, 19 से हम यहां पर हाईएस्ट वैल्यू 31 ली, कहां से इधर से ली हुई थी, ना कि इस पाथ से ली हुई थी, इसलिए इस पाथ को हम नहीं ले सकते, इस पाथ से ली हुई थी, 31 के बाद 6 जोड़ा था तो इस पाथ से ले गए थे, फिर इसी को 9 जोड़ के यहां से ले गए, यहां से फिर हम इसी रास्ते से यहां से आए, यहां 37 किया, इसमें 6 माइनस किया, फिर इसमें 12 माइनस करके, क्योंकि ये रास्ता तो हमारा कैंसिल ही हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी हमने हाईएस्ट वैल्यू नहीं ली थी। तो यहां पर देखें फिर इसके बाद इस पर आए, 7 7 हो गया और 0 हो गया। तो ये होगा मैं, और इन्हीं रास्तों की जो यहां पर निकाले इनका हमें टाइम लिख देना, जैसे 1 से 3 के बीच में कितना है 7, प्लस 3 से 4 के बीच में कितना है 12, प्लस 3 से 4, 4 से 6 के बीच में कितना है, 4 से 6 के बीच में 16, हाँ 4 से 6 के बीच में 12 है, सॉरी 4 से 6 के बीच में 12 है, और 6 से 7 के बीच में 6 ही है, प्लस कौन सा है 7 से 8 के बीच में 9 है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो जो मेरा टाइम आ रहा लगभग 46 आ रहा, जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा रहता है। तो इस तरह मैंने कोशिश की, टाइम जरूर ज्यादा लगा लेकिन उम्मीद है आपको जितनी भी कैलकुलेशन रहती है उतनी सारी आपको आ जाएगी इस तरह। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।